पिछले दो दिनों से हम दिल्ली में देख रहे हैं कि हिंसा भड़क गई है। हिंसा भड़काने के बहुत सारे हमने भाषण देखे। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। और पुलिस ने जिन्होंने नफरत की बातें की उन्हें रोका नहीं। और पर हम आज ये भी देख रहे हैं कि इस नफरत के आग में दोनों तरफ से लोग भड़कने लगे हैं और हिंसा हम दिल्ली में शायद 1984 के बाद इस तरह की हिंसा दिल्ली में रही नहीं है, दिल्ली ने देखी नहीं है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक दिल्लीवासी के होने के नाते, एक इंसान होने के नाते सभी से एक ही अपील है कि हम गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए जब हम निकले तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमारी लड़ाई अहिंसक हो, शांति की हो और मोहब्बत की हो। ये लड़ाई हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, जब तक संविधान को हम बचा नहीं सकें ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। लेकिन ये लड़ाई तभी हम लड़ने के लिए हमारी एक नैतिक साहस बन पाएगी अगर हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, किसी भी तरह से किसी के साथ भी, हमारे विरोधी के खिलाफ भी, पुलिस के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी हम इज्जत और मोहब्बत का वास्ता रखें और लड़ाई अपना जारी रखें। यही मेरा अपील।